और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और सोमवार का दिन है। तृतीया तिथि आज सुबह 8:20 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जबकि हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। दरअसल ये व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय निकलने तक रखा जाता है, उसके बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कल सुबह 6:24 तक ही रहेगी, यानी कि चतुर्थी तिथि में चंद्रमा आज ही उदित रहेगा। तो आज आपको बता दूं कि चंद्रोदय रात 9:19 पर होगा, लिहाजा संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत आज ही किया जाएगा। आज व्रत करके भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जातक के जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का निवारण होता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। ये थी चर्चा संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले नक्षत्र की। आज रात 9:31 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। इस नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज स्वाति नक्षत्र के दौरान अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दौरान किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं, तो आज स्नान आदि के बाद घी में बेसन भूनकर या किसी और से भुनवाकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें, फिर भगवान को नमस्कार करके उस प्रसाद का भोग लगाएं। साथ ही भोग लगाने के बाद भगवान श्री गणेश की मूर्ति की 3 परिक्रमा करें। अगर मूर्ति के आसपास इतना स्पेस ना हो, तो श्री गणेश का ध्यान करते हुए अपने स्थान पर ही 3 परिक्रमा कर लें। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपको किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश पूरी होगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह परेशानियों ने ले ली है, तो अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आज श्री गणेश का पूजन करके तिल से हवन करें। आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण से हवन करवा सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप स्वयं भी गाय के गोबर से बने कंडे पर सफ़ेद तिलों की 108 आहुति देकर घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहेगा। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए गणपति के इन मंत्रों को सफलता प्राप्ति के लिए जप करें। मंत्र है गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। आप इस मंत्र का 11 जप करें, और हर बार मंत्र बोलने के बाद ध्यान में भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार 11 मंत्र बोलते हुए हर बार ध्यान में भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल जरूर मिलेगा। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो आज 3 गोमती चक्र, 11 नागकेसर के जोड़े, 7 कौड़ियाँ, 1 सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 6 क्लॉकवाइज और 1 एंटी क्लॉकवाइज उतारकर गणेश जी के मंदिर में चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में जल्द ही सुधार आएगा। अब ये गणेश मंदिर में गणेश जी की मूर्ति पर ना चढ़ा दें, वहाँ नीचे रख दें, कहीं मूर्ति पर ना चढ़ाने लगेगा। अगर आपको कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आपके कामों में अड़ंगा डाल रहा है,
तो शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आज बाजार से एक पान का पत्ता लेकर आइए और उस पान के पत्ते को अच्छे से साफ करके उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। ये आप भगवान गणेश की मूर्ति को चढ़ा सकते हैं और अपने शत्रु का नाम लेते हुए उसे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप प्यार, पैसा और शोहरत, ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक साथ पाना चाहते हैं तो आज भगवान श्री गणेश के इस 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करें। मंत्र आप नोट भी कर सकते हैं। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इसमें पिशाची शब्द से कन्फ्यूज ना हो, ये गणेश जी का ही मंत्र है। इसको उच्छिष्ट गणपति मंत्र कहते हैं। तो आज भगवान गणेश के इस 12 अक्षरों वाले मंत्र का 51 बार जाप करें। हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्यार, पैसा और शोहरत सब कुछ मिलेगा। तो ये थी आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों की चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।